गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज देखिए मौसम कैसा है, कैसा मतलब कि बादल लगा हुआ है, बिल्कुल बादल है आसमान में और धूप खिल चुकी है लेकिन बादलों के पीछे है तो धूप दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए कैसा धुंध सा मौसम है, पीछे आपको दिख रहा होगा कोहरा है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और सबसे पहले अंदर चल के पीते हैं गर्म पानी। ये रेडी हो चुका है गर्म पानी, पहले पीते हैं पानी फिर पियेंगे ब्लैक टी। तो बन चुकी है हमारी चाय, चलिए पीते हैं पहले चाय फिर करते हैं दिन की शुरुआत। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, अब इतना लिपस्टिक लगा के मैं घर में तो बैठूंगी नहीं, है ना। तो देखिए हमारी दुल्हनिया कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए वो देखो हेलो कर रही है, आप लोग भी सबको हेलो करना ठीक है। और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिए थे हमारी मानसी के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हमारे सर भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये देखिए देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, साथ में एक पिक्चर भी ले लेते हैं, रुको दोनों का ऐसे खड़े हो। चलिए तो हम लोग चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चलिए, आज आपको कहीं घुमाने लेके चलते हैं। हाँ, और एंजॉय करते हैं, देखो मानसी कह रही एंजॉय करते हैं, चलिए एंजॉय करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं सफर। तो इस जगह को तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हम पहुंचने वाले हैं चक्की, और हमने ये रास्ता ले लिया हरवयाल की तरफ, हरियाल मने की हरियाल का मार्केट आप पहचान चुके होंगे। और अब हम जा रहे हैं हिमाचल की ओर, मने की पंजाब बॉर्डर जो है, पंजाब जो हम छोड़ चुके हैं। और ये पुल मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आप देख चुके हैं, ये वो पुल है जो हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है। आगे जाके जो है टूल चौकी है जहाँ से हमारे हिमाचल की पर्ची कटती है, और ये नदी है जो बरसात में मैंने आपको दिखाई थी कितना फील होता है, मतलब कितना सारा पानी होता है, लेकिन इस समय खाली है समझिए। तो अब हम जाएंगे, पहले सबसे पहले यहाँ से हमें हिमाचल में एंट्री करते ही पड़ती है नागनी माता। तो हम सबसे पहले नागनी माता के मंदिर जाएंगे और करेंगे आज नागनी माता के, नागनी देवी के दर्शन, और आप लोगों को भी कराते हैं दर्शन। तो चलिए, और आप लोगों को ये रास्ता याद होगा, शायद मैंने पहले भी एक बार दिखाया था नागनी माता का, ये देखिए बोर्ड दिख रहा है आपको। और अब इस पुल के नीचे से, ये पुल ट्रेन के लिए है जी, छोटी ट्रेन के लिए है। और सुनने में ये भी आया है कि 22 तारीख से, मतलब फैब से छोटी ट्रेन भी स्टार्ट हो रही है। तो इसका एक नज़ारा एग्जांपल अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, आराम से देखिए, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज भी हमेशा की तरह। और हम अब पहुँच चुके हैं नागनी माता के मंदिर, यहाँ के शायद मैंने आपको एक दो बार पहले भी दर्शन कराए हैं। देखिए मंदिर बहुत ही सुंदर है और प्रांगण यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, और आज श्रद्धालुओं की भीड़ है, मतलब काफ़ी जो है लोग आ रखे हैं, आज संडे भी है शायद इस वजह से लोग काफ़ी आ रखे हैं आज। ये देखिए, और ये मंदिर, ये मूरत जो है भगवान जी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए कितना खूबसूरत मूरत है भगवान जी का ये। चलिए तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ, ये देखिए ऊपर को जो है नागनी माता का मुख्य मंदिर है। मंदिर में जो है अलग ही एक आनंद आता है, अलग ही मज़ा आता है, मतलब ऐसा मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा सभी का होगा। और ये देखिए चित्रगुप्त जी, धर्मराज जी और यमराज जी की मूर्ति है, और यहाँ पे ये लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि ये क्या काम करते हैं, तो आपस में दोनों जो है अजीत सर और पंकज जो है एक दूसरे को समझा रहे थे। और देखिए यहाँ से ये नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब कि शीतला माता का, शीतला माता देवी शीतला का मंदिर है, तो की तरफ मतलब मंदिर के लिए हम जा रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता सीधा वहीं जाएगा। और ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि इस जगह में, ये नागनी माता के मंदिर का पीछे का साइड है, यहाँ से कहते हैं कि मिट्टी ले जाते हैं लोग, यहाँ पे इसको लोग मिट्टी नहीं कहते, इसको ये लोग शक्कर कहते हैं, शक्कर कहते हैं, और कहते हैं कि अपने घर में ले जाते हैं, और किसी को घाव वाव हो या कोई भी इस तरह की कोई छोटे मोटे चोट पटाक हो तो उसमें लगाने से जो है ठीक हो जाता है। और अब हम पहुँच चुके हैं माता शीतला के मंदिर में, और देखिए
मंदिर बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा सुंदर सा है। और नज़ारे देखिए आप, हिमाचल में जो है आए और हम हरियाली और खूबसूरत नज़ारे ना देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये पंकज और सिया आगे जा रहे थे और ये एक बच्ची खड़ी थी तो मैंने उसका भी वीडियो ले रही थी। असल में वो खेल रही थी तो खेलते खेलते मैंने जब वीडियो बना रही थी तो वो मुझे देख के रुक गई थी। और यहाँ पे देखिए देवियों के चित्र लगे हैं, फोटो लगी है दर्शन करके। और ये है ना हमारे अजीत सर और मानसी है, तो अपने घर में जो है वीडियो कॉल करके उनको दिखा रहे थे कि हम कहाँ मंदिर में आ रखे हैं, तो वही सब हो रहा था। और अभी हम मंदिर में फिर इसके बाद थोड़ा सा दर्शन करके बाहर हम लोग थोड़ा बैठ गए थे। देखिए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, माता रानी जो है सबको शीतलता प्रदान करे। और देखिए ऊपर से ये जो है हिमाचल का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। इस जगह को कंडवाल कहते हैं, जहाँ पे अभी हैं हम, इसको कंडवाल कहते हैं। और फिर उसके बाद दर्शन करके हम नीचे की तरफ निकल पड़े, नीचे की तरफ मतलब कि वापसी कर रहे थे। और यहाँ पे इस तरफ से मतलब जाते समय वापसी में ये मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, तो बाबा बालकनाथ को तो आप सभी पहचानते होंगे, आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा। हमीरपुर में इनका मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है, तो आप लोगों को कभी चांस लगे, कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर जो है ना यहाँ से देखिए बहुत ही खूबसूरत है। कभी आप लोग आइएगा हिमाचल आए तो नागनी माता के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। अब हम यहाँ से चल पड़े हैं फिर आगे के लिए, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं अब हम आगे। और अब हम पहुँचने वाले हैं जसूर। मैं बोर्ड में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए जसूर जो है हिमाचल का कह सकते हैं आप बड़ा मार्केट है। यहाँ पे ज़रूरत की सभी सामान मिल जाता है। और यहाँ की जो मार्केट है ना, सामान यहाँ पे पठानकोट से ही आता है। और अब हम जा रहे हैं ज्वाली की तरफ। और अभी हमने लिया है, ये तो सबने खाया होगा बचपन में। मैंने अभी तीन ही उंगली में फंसाया है, ज़्यादा लोग आऊँगी तो फिर ये लोग फिर सब मुझे डांटेंगे। देखो ये लोग भी खा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। सिया नहीं खाई, हाँ वो भी खा रही है, और पंकज हाँ ये भी खा रहे हैं, पर मैं बिल्कुल अपना बचपन वाले तरीके से खा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी है, आप लोग भी आ जाइए लीजिए, आप लोग भी खाइए ये लीजिए। तो हम लोग ये इंजॉय कर रहे हैं, आगे आगे आप लोगों को पकोड़े भी खिलाएंगे अभी। तो चलिए मैं पहले ये खा लेती हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है। और अब हम पहुँच गए हैं ज्वाली। ज्वाली में जो है हम लोग यहाँ पे किला है एक और मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए आए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हम खड़े थे और काफ़ी देर से खड़े थे, तो हम तो यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो गए थे। मैं आपको सच बताती हूँ कि यहाँ पे जो अब ये ट्रेन का आने वाली है या इंजन आने वाला है, जो भी आने वाला है, तो उसका शूट मैंने नहीं किया था, पंकज ने किया था, क्योंकि मैं मानसी और अजीत सर हम लोग जो है निकल गए थे, पैदल पैदल ही निकल गए थे और हम मार्केट घूमने चले गए थे। क्योंकि यहाँ पर कम से कम ये हाफ एन आवर का जो है ये स्टॉपेज लग गया था, तो हम लोग निकल गए थे। तो अब देखिए कि पता नहीं ट्रेन आएगी या उस दिन की तरह पहले एक बार ऐसा हो चुका है या इंजन ही आएगी। अब ये तो सबके लिए सस्पेंस है, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। तो होप फॉर द बेस्ट, क्रॉस योर फिंगर्स कि इस बार ट्रेन ही हो, इंजन खाली अकेला ना आए, तो प्रार्थना करते। और ये देखिए आ गया, ओ ट्रेन आई है इस बार तो फुल, मतलब पूरा डब्बों के साथ में, अपने डिब्बे भी लेके। बहुत दिनों बाद आज देखा मैंने चलते हुए ये टॉय ट्रेन, छोटी वाली ट्रेन को, तो आनंद आ गया। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए इसे। और ये देख लीजिए हम आ चुके हैं ज्वाली के किले में, ज्वाली का किला है ये। जब राजा रानियों का समय था, मतलब उस समय कालीन के महल, मतलब उस समय कालीन में जो है महल हुआ करता था, लेकिन अब तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खंडर किला बन चुका है। और यहाँ पे मंदिर भी है, मतलब इस मंदिर को, इस मंदिर और ये जो है माता का मंदिर है, तो यहाँ पे इस मंदिर को किले वाली माता कहा जाता है। माता किले की रक्षा करती है ये कहें, या ये कहें कि माता यहाँ पे विराजमान है, क्योंकि मान्यता ऐसी है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मान्यता ऐसी है कि ये देखिए आप, ये जो जगह है ठीक है, यहाँ देखिए ये लॉक है और अंदर जाने का रास्ता, ये देखिए आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, ठीक है सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी खुदाई करता है, कहते हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत सोना दबा हुआ है, कितना वो तो अब कौन जानता है, भगवान ही जाने। तो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे खुदाई करता है इस लालच से कि उस सोने को पा ले, उस सोने को पाने के लिए, तो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। ये देखिए यहाँ पे अब ताला लगा दिया गया ताकि लोग जा ना पाए अंदर।
दर्शन कर लीजिए आप लोग भी भगवान जी के। जय। सोचिए जब ये किला अपने अस्तित्व में था होगा, मतलब जब ये किला ना इस तरह का ना रह के खंडर मंदिर था होगा, कितना सुंदर दिखता होगा। अब तो यहाँ पे जो है राजकीय मॉडल प्राथमिक पाठशाला गवर्नमेंट स्कूल है ये, शिक्षा खंड ज्वाली का, हिमाचल प्रदेश में आता है ये जगह। ये देखिए स्कूल बन गया, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बना दिया है यहाँ पे। तुमने उसके साथ धोखा किया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ए भाई हमें मार रहे ना। और ये हम आ गए हैं अब दूसरे मंदिर, यहाँ पे अब हम चलते हैं, देखिए आपको अंदर दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है ये। हम थोड़ा सा यहाँ पे इस रास्ते से आए तो एक गाड़ी हमने ही रोक दी, पीछे सीढ़ियों के रास्ते आते तो वो अच्छा है, खैर ये भी बुरा नहीं, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बहुत ही थोड़ा है, चला जाएगा आराम से, बस 2 मिनट का रास्ता है। देखिए मंदिर सामने दिख ही रहा होगा आपको। देखिए पानी का स्रोत जो है बिल्कुल नेचुरल है। चलिए ऊपर से लोग पूजा वूजा करवा रहे हैं, हवन पूजा। देखिए मंदिर, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखिए ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा होगा, पहले जब मैं आई थी ये तिरपाल सा लगा ना, ये नहीं था, मतलब ये टेंट टाइप का, तो खुल के देख सकते थे। वो जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं जूम करती हूँ, ये देखिए जो पानी आपको इसमें दिख रहा है, इसका कोई पता नहीं है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, इसी पानी को ये लोग पीते हैं, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी। और मंदिर देखिए कितना सुंदर है, मतलब देखते ही मज़ा आ गया, और समझ ही गए होंगे आप लोग बाहर नंदी दी को देख के कि ये जो है भोलेनाथ का मंदिर है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं पहले, देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तो चलिए अब हम थोड़ा जलपान कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो हम लोगों ने जो है जलपान अपना शुरू कर दिया है। ये देखिए पकोड़े जो हमने वहाँ पे सर ने खरीदे थे बुड्ढे अंकल की दुकान से, पकोड़े खुरमे और चाय लेके आए थे हम लोग घर से। मानसी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, देखो बहुत इंजॉय कर रही है, देखो कितना खुश है, सर उसको बहुत देर से छेड़ रहे, क्यूट क्यूट करके, कुछ बात हुआ था हम लोग का आपस में इसलिए। तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो बच्चों का तो जहाँ भी आते हैं अपना इन्जॉयमेंट करने लग जाते हैं, और उसको मिल भी गया बाय लक झूला। तो अब हम लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं, आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। और दोनों वो देखिए हमारा न्यूली मैरिड कपल आगे चला हुआ है, हमारे लव बर्ड आगे आगे जा रहे हैं। और आज हम सभी ने आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये गर्म वाले कपड़े पहने, देखे उन लोगों ने भी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी मीन्स कि अब ठंडा नहीं रहा उतना, मौसम काफ़ी बदल चुका है। तो अब हम जो है बैठते हैं अपने गाड़ी में और चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ और पहुंचने ही वाले, लेकिन रास्ते में ना हमें क्रेविंग सी होती है ना, वो कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का भूख वाला वो हो गई थी, तो हम सब ने यहाँ पे खड़े होके गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे वाले भाई को आपने पहचाना या नहीं, ये वही गोलगप्पे वाले भाई हैं जहाँ पे हमने गोलगप्पा कॉम्पिटिशन किया था, साई चाट भंडार वाले, और गोलगप्पे खिलाए हमें अजीत सर ने और बहुत मज़ा आया, फिर हमने यहाँ पे भी खूब इंजॉय किया। ये देखिए अब ये लोग भी खा रहे हैं, इन्जॉयमेंट तो फुल डे रहा हमारा, बहुत ही मज़ा आया, पूरी मौज मस्ती की हमने। और आप लोग भी इंजॉय करिए, आप लोग भी संडे को जो है अपने फैमिली के साथ इसी तरह से घूमने जाया कीजिए और इंजॉय करिए। तो हम लोग घर आ चुके हैं और अब जो है तो अब हम चाय वाय पियेंगे, तो मैं चाय बना रही हूँ, अब हम लोग चाय पियेंगे। और अब मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अब मैं यहीं से जो है टाटा बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम भी ठीक है, मतलब उजाला है, तो उजाले में आप लोग अच्छे तरह से जा पाएंगे।
तो चलिए अभी देखिए मैंने कपड़े भी इतने सारे धो रखे, कपड़े भी उठाने हैं, तो चलिए अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।